अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूँ ज़ोहर अहमद। दोस्तों आज 38 अगस्त है, सोमवार का दिन है, 2023 है और आज मैं मौजूद हूँ हैर सुलेमान की दरिया सतलुज। दोस्तों आप पीछे देख सकते हैं कि जो दरिया में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, आप देख सकते हैं कि हैर सुलेमान की दरिया सतलुज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इस सैलाब से हज़ारों एकड़ पर जो चावल की फसल थी, तिल की फसल थी, गन्ने की फसल थी, कपास की फसल थी, उसे डबो दिया है इससे। और कल तक 29 अगस्त तक क्या पानी में इजाफा होगा, ये मालूमात जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसका नाम है सादकी और ये नहर जो है ये फोरड के नाम से है। जब पानी में इजाफा होता है तो ये दोनों नहरों को बंद कर दिया जाता है और इस साइड पे एक नहर पाकपतन की तरफ जाती है, उसका नाम पाकपतन वाली नहर है, तो उसको भी बंद कर दिया जाता है और सारा पानी दरिया सतलुज में चला जाता है। हरी के हेड और हेड गंडा सिंह पर भी जो पानी की सतह में कमी बताई जा रही है, इस वक्त आप ये हैड सुलेमान की मनाजर देख रहे हैं, इधर भी 2 फीट की कमी हुई है पानी में, आप देख सकते हैं। हैड सुलेमान की दरिया सतलुज पर जिन मुलाजमीन की ड्यूटी है उनका कहना है कि पानी में मुसलसल कमी आ रही है, तकरीबन सुबह से अब तक 2 फीट पानी में कमी आई है, ये आप देख सकते हैं दरिया सतलुज हैड सुलेमान की के ये मनाजर हैं। हैर सुलेमान की दरिया सतलुज और पानी के दरिया सतलुज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हैर सुलेमान की इस वक्त आपको लाइव मनाजर दिखा रहा हूं मैं, ऊंचे दर्जे का सैलाब है यहां। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।